नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। हर जगह इत्र नहीं महका करते, कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। जी हाँ, कुछ किरदार और शख्सियत ऐसे होते हैं जिनके सिद्धांत समाज को नई दिशा और मजबूती देते हैं। ऐसे ही एक शख्स ने सी न्यूज भारत से खास बातचीत की और उनका नाम है नजरिया पुरुष। आप नाम देखकर संशय में ना आइए, इनका असली नाम सत्य प्रकाश गुप्ता है, पर ये डॉक्टर है नजरिए के नहीं नजर के। ये दृष्टिकोण को बदलकर इंसान की जिंदगी को बिल्कुल तनाव मुक्त और काफी ज्यादा अच्छी और ऊर्जा से परिपूर्ण कर देते हैं। कहने को तो ये देश के प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पर इनकी स्पीच केवल काम करने की दिशा और उत्साह ही नहीं जगाती, बल्कि लोगों की जिंदगी जीने का नजरिया भी बदल देती है। देखिए हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव के साथ नजरिया पुरुष की विशेष मुलाकात की एक खास रिपोर्ट। किसी बाबा के पास जाने से आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। दृष्टि का इलाज तो ऐसे न जाने कितने लाखों करोड़ों डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन दृष्टिकोण का इलाज कौन लोग कर रहे हैं? हम जो जीवन में तरक्की कर रहे हैं, यहाँ से नहीं करते हैं तरक्की, हम सिर्फ अपने विचारों से करते हैं। काल में जितने भी आप सब कुछ पढ़ डालिए, सदा सफल हम मानते हैं। जीवन में ना सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं होगा, जब तक बड़ी गहराई नहीं होगी, सागर सी गहराई नहीं होगी, आसमान सी जैसी ऊंचाई नहीं होगी, तो ये जो चीज़ें हैं वो चंद्रमा जी के पास हैं, वो नीले पे हैं, तो प्रेरणा स्रोत मेरे तो हनुमान जी हैं। 100 से ज़्यादा तो सुसाइड केसेस गौरव साहब मैंने इसी टेबल पर हैंडल किए हैं। मंदिर में जाने से, मंदिर में भगवान नहीं है, लेकिन मंदिर में जाने के माहौल मिलता कि आप भगवान के बारे में थोड़ा ज़्यादा देर तक सोच पाते हैं। मैं आपको भगवान के बारे में नहीं बताने आ रहा हूँ, मैं आपको भगवान बनाने के बारे में। जो चला है राह अकेले, सारा जग उस पर हंसा है। जो चला है राह अकेले, सारा जग उस पर हंसा है, और इतिहास भी गवाह है, उसी ने इतिहास रचा है। इन शब्दों को साकार करने की तरफ बढ़ने वाले, आज हम ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने इस शब्दों को साकार करने की तरफ लगातार प्रयास किया है, संघर्ष कर रहे हैं, और अगर हम व्यवस्थाओं को समझें तो लगातार उसमें अपने आप को सफल भी करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बात हम करने जा रहे हैं नजरिया पुरुष की, जिनका सही नाम सत्य प्रकाश गुप्ता आज़ाद है, पर लोग उनको नजरिया पुरुष के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये व्यवस्थाओं को समझते हैं और लोगों के नजरिए को बदलते हैं। क्योंकि नजरिया बदलता है तो वहाँ पर परिणाम सार्थक आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। तो स्वागत करते हैं अपने प्रोग्राम में नजरिया पुरुष सत्य प्रकाश गुप्ता आज़ाद का। सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि सत्य प्रकाश गुप्ता क्या है और नजरिया पुरुष क्या है। सत्य प्रकाश गुप्ता मेरा वो नाम जो मेरे माता पिता श्री ने रखा, नजरिया पुरुष वो नाम जिस दिन मैं सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे लगा कि अगर पूरे अपने देश को बदलना है, अपने जीवन को धन्य करना है, तो लोगों के नज़रिए पे काम करना होगा। तो नजरिया पुरुष के बारे में फिर हमने विचार किया, और नज़रिया जो नाम हमने ईजाद किया उसमें यही है कि लोगों की दृष्टि ठीक रहने से उतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता, जितना दृष्टिकोण को ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। और दृष्टि का इलाज तो ऐसे न जाने कितने लाखों करोड़ों डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन दृष्टिकोण का इलाज कौन लोग कर रहे हैं? सो वहाँ से नजरिया पुरुष का जन्म हुआ। अगर हम बात करें आपकी व्यवस्था की, आप नीला चश्मा लगाते हैं, चश्मा के दो रूप हैं, एक नीला है एक लाल है। अमूना हमने देखा है कि चश्मा लोग अलग तरीके के लगाते हैं, पर ये चश्मा हमने पहली बार देखा है। बचपन में भी देखा है कि रंगीन चश्मे लोग उपयोग करते थे, पर इस व्यवस्था में चश्मों का क्या कहना है और क्या दृष्टिकोण आप दर्शाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला दृष्टिकोण तो ये है कि जैसे चश्मा ऐसा लगता है तो लोग पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं ऐसा क्यों। हमें कहना नहीं पड़ता है, लोग सोचना पहले शुरू कर देते हैं। लोग पहले कहते हैं ना कि विद इन अ 3 सेकेंड लोग जानने लग जाते हैं कि ये कौन है, तो वहाँ से हमारी मार्केटिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल सटीक जो बात है। दूसरी बात यह है कि लाल और नीला क्यों, क्योंकि हम जब लोगों के नज़रियों को बेहतरीन करने की बात करते हैं तो ये लाल सूर्य भी हैं, नीला चंद्रमा भी हैं, लाल हनुमान जी भी हैं, नीला राम जी भी हैं, क्योंकि श्री प्रभु हमारे नीले हैं। लाल और नीला ये पुलिस प्रशासन की, जो लाल और नीले की पट्टी है वो पुलिस प्रशासन का भी कलर है। लाल और नीला मोटिवेशन का भी कलर है।
लाल हमारे मोटिवेशन, गुस्सा, बहुत सारी चीज़ों की कलर है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से चीज़ें हुई हैं। शिक्षा का कलर है नीला। तो बहुत बड़ी एक फिलॉसफी है जिसके ऊपर हमने देश को बदलने की बात की। अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है, सोने का शेर बनाना है, राम राज लाना है और धरती को स्वर्ग बनाना है, तो इन सब के पीछे एक महती भूमिका जो निभाती है वो हमारे नज़रिए की है। तो जब ये मैंने लिखा कि ये चार काम करने हैं, लेकर इसका प्रण निकला हूँ, कर्तव्यों से राम है, मन से हनुमान बन निकला हूँ, तो वहाँ पर चश्मे का बस इतना सा रोल है कि हम जो जीवन में तरक्की कर रहे हैं, यहाँ से नहीं करते हैं तरक्की, हम सिर्फ अपने विचारों से करते हैं। तो विचारों का है ये, जैसे शिव शंकर भगवान जी की तीसरी नेत्र जब खुलती है ना, तो प्रचंड काल और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको अपने इस विचार पे विचार करना पड़ेगा, वहाँ पे थॉट पे काम करना पड़ेगा। ये मैसेज बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल चीज़ों से जीवन बदलता ही नहीं है। कुछ अबनॉर्मल ना हो तो लोग उसको याद नहीं रखते हैं। अल नज़रिया पुरुष नहीं याद रहेंगे तो नज़रिया पुरुष का संदेश कैसे याद रहेगा। तो बस थोड़ी सी असाधारण बात ज़रूरी थी, क्योंकि साधारण लोगों को समझाने के लिए। अच्छी बात आपने बताई, पर यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अगर हम आपकी पुरानी व्यवस्थाओं को जानें कि मोटिवेशनल स्पीकर कब बने, कब आपने दृष्टिकोण अपनाया, कब आपने इन व्यवस्थाओं को समझा कि लोगों को ज़रूरत है दृष्टिकोण की, क्योंकि दृष्टि का इलाज तो है पर दृष्टिकोण का इलाज नहीं है, और दृष्टिकोण बदलना यहाँ बहुत ज़रूरी है अगर यहाँ पर सफलता प्राप्त करनी है। तो पुरानी हम आपकी ज़िंदगी के बारे में क्या जानें। देखिए, नज़रिया पुरुष तो मैं बना लॉकडाउन से पहले, और लॉकडाउन में इसकी स्थापना की है जब और सोचने का मौका मिला। मैं लॉकडाउन में करीब 48 घंटे मौन था। वैसे मैं हर मंगलवार मौन व्रत रहता हूँ, क्योंकि जब आप मौन रहते हैं तो अंदर आप जान पाते हैं। दुनिया में हर इंसान 99.99% लोग अपने से बाहर की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अपने से अंदर की यात्रा पर कोई जा ही नहीं रहा है। तो वहाँ से बात आई नज़रिया पुरुष की। मोटिवेशनल स्पीकर मैं 2013 में बना, और उससे पहले मैं सेल्स में था, मार्केटिंग में था। उससे पहले जब बात आती है ना कि मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बना, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कई बार मैं भी हारा। मैं जब घर से भाग के आया, अम्बेडकर नगर से भाग के आया, मैं कई बार मैं भी हारा। तो मैंने कविता लिखी थी हार पर जीत, कि गर तू हार जाएगा तो हार जीत जाएगी, गर तू ना हारा तो हार को शर्म आएगी, करना बस तुझे इतना है कि अपने नाम का नाम करना है, गिरे तो फिर उठ, फिर गिरे तो फिर उठ, मन ना हारे बस, तू ना हारे बस, तू बस कर्म करता जा, तू खुद को जीतता जा, तुझे तो बस इतना ही करना होगा, फिर तो हार खुद से हार जाएगी। मैं बहुत लोगों से मिलता था जो बिल्कुल मन से हारे हुए थे। मैं जब पढ़ने लगा हमारे विवेकानंद जी को, तो उन्होंने एक चीज़ कही, दुनिया में अगर आप कुछ देना चाहते हो तो दे पाना, दे ही जाना, लेकिन अगर कहीं कुछ ना दे पाना तो सकारात्मक जरूर किसी को कर जाना, मोटिवेशन देना, ऊर्जा देना। तो मुझे लगता है जीवन में इससे बड़ा कोई काम नहीं है। तो मैं पौहारी बाबा के स्थान पर गया था गाजीपुर, जहाँ पे पौहारी बाबा से स्वामी विवेकानंद जी मिलने के लिए एक महीने का इंतज़ार किए थे। तो मैंने वहाँ पर साष्टांग प्रणाम किया था। मैंने कहा था, हे प्रभु, आने वाले समय में मेरे अंदर भी, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, तो मेरे अंदर भी वो आत्मा अमर अजर है, तो स्वामी विवेकानंद जी की आत्मा आए और मैं भी देश के लिए कुछ काम कर पाऊँ। और जब आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, प्रचोदयात का मतलब यही है कि आप लोगों को मोटिवेशन दे, ऊर्जा दे। सो बस वहाँ से नज़रिया पुरुष की जो भावना है वो थोड़ा चेंज हुई, क्योंकि मेरा नज़रिया चेंज हुआ। तो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर फिर हमने अपने आप को स्थापित किया, और पिछले 11 सालों से इंडिया के एक लीडिंग मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और रियल स्टेट का नंबर 1 रियल स्टेट ट्रेनर हूँ। बड़ी अच्छी बात कही, पर एक बात गौर करने वाली है, हमने अभी तक जो भी मोटिवेशनल स्पीकर देखे हैं वो बड़े एडवांस लुक में रहते हैं, एडवांस ड्रेस में रहते हैं, पर मैं यहाँ आपको पा रहा हूँ कि पीले रंग का आप कुर्ता पहने हैं और हरा उसमें गम वाले। देखिए, मैं एडवांस लुक में भी रहता हूँ, एडवांस लुक भी मेरा बहुत बड़ा वाला है, उसी तरीके से रहता हूँ, बट आज मैं देश के लिए काम करता हूँ। आजीवन में बृहस्पतिवार मैं देश के लिए सिर्फ काम करता हूँ। नीला इसलिए क्योंकि भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो जो गुरु का, गुरु बृहस्पति का कलर है वो हमारा पीला है, और गुरु बृहस्पति का दिन हमने चुना है तो पीला पहनना चाहिए। तो गुरु बृहस्पति की अगर छाया और गुरु बृहस्पति की कृपा अगर मेरे अंदर रहेगी तो शायद मैं भी गुरु बन पाऊँगा और विश्वगुरु तक मैं सफल हो पाऊँगा और भारत को विश्वगुरु तक ले जा पाऊँगा। तो गुरु बृहस्पति से मैं ये कहीं ना कहीं कृपा पात्र होने की कोशिश करता हूँ इस ड्रेस को लेकर। हरा गमछा इसलिए रखा क्योंकि मैं धरती को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। ये माँ धरती की परिकल्पना करते हुए मैंने इनको रखा कि आप पूरे धरती का बोझ उठाती हैं, मैं अपने कंधे पर रख के आपका बोझ उठाता हूँ और धरती को स्वर्ग बनाऊँगा। और यहाँ पे लाल पट्टी है, ये पूरी लाल नहीं, महरूम आप देख रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि सभी का खून एक है। सभी धर्मों को जोड़े बिना कहीं काम नहीं होगा, क्योंकि कबीर जी ने एक बात कही थी, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो जब तक वो प्रेम की गाथा नहीं पहुंचाएंगे, पूरी पृथ्वी के युग नहीं लेके आएंगे, तो काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ आज का ड्रेस है, बाकी आप नज़रिया पुरुष के ड्रेस की अगर बात करेंगे तो वो उसी तरीके से जैसे बाकी सभी लोगों का है। हर इंसान का एक प्रेरणा स्रोत होता है,
जी एक गाइड करने वाला होता है, नज़रिया प्रोसेस लोगों को गाइड करते हैं, उनके नज़रिए को बदलते हैं, उनके दृष्टिकोण को बदलते हैं, आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? देखिए, हमने अपना आध्यात्मिक गुरु जिसको माना है वो श्री हनुमान जी को माना है, क्योंकि पूरे काल में जितने भी आप सब कुछ पढ़ डालिए सदा सफल हनुमान रहे हैं। और हनुमान जी के जो गुरु हैं, मैं उनको सूर्य भगवान को भी अपना गुरु मानता हूँ, इसी नाते लाल भी है, नीला भी है, क्योंकि देखिए जीवन में ना सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं होगा, जब तक बड़ी गहराई नहीं होगी, सागर सी गहराई नहीं होगी, आसमान से जैसी ऊंचाई नहीं होगी, तो ये जो चीज़ें हैं वो चंद्रमा जी के पास हैं, वो नीले पे हैं, तो प्रेरणा स्रोत मेरे तो हनुमान जी हैं। और इसी नाते मैंने लिखा ना कि ये चार काम करने हैं लेकर इसका प्रण निकला हूँ, कर्तव्यों से राम तो मन से हनुमान बन निकला हूँ। कर्तव्य जो प्रणयता है वो पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की है, पूरे पूरे इतिहास में पुरुषोत्तम किसी को नहीं कहा गया, सिर्फ श्री राम जी को कहा गया, तो वो जीवन हम जी रहे हैं। और इसी वजह से मैं अपने बच्चों का नाम लव और कुश रखा हूँ, ये देखिए दोनों पत्थर मैं सामने रखता हूँ, इसीलिए ये बार बार मुझे बात याद आ रहे। और इन 18 सालों में मैं कभी भी 18 सेकंड भी लेट नहीं हुआ, जो आज तक जिससे भी कहा हूँ उस बात पर अटल सत्य रहते हुए अपने आप की चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और वहाँ भी देखिए मैंने सामने लिखा है, जिसकी जुबान में सत्य है वो संत है। और हमें यहाँ पे प्रभु को प्रेम जो है ना वो प्रेम हृदय से निकलता है, सत्य जुबान से, करुणा आँखों से। तो ईश्वर को मानते हुए, प्रभु श्री राम जी की छाया को मानते हुए कि मैं उन्हीं की तरीके से जीऊँ, और मैंने वहाँ पे माँ गंगे को भी लिखा है, माँ अपने भीष्म पुत्र की तरीके से मेरे अंदर भी वो प्रण देने की क्षमता रखना, मैं जो भी प्रण करूँ मैं कभी उससे बिदक ना सकूँ, प्राण जाए पर वचन न जाए, उस पर काम करना, क्योंकि देश के लिए प्रण किया है, आजीवन मंगल और मौन व्रत रहने का प्रण किया है, क्योंकि जाको राखे साइयाँ मार सको ना कोई, जब ईश्वर मेरे साथ हैं तो फिर बाकी क्या बात है, पूरी दुनिया एक तरफ, हम ईश्वर के साथ एक तरफ। बहुत अच्छी बात कही, पर यहाँ पर एक गौर करने वाली बात और है, आपने तमाम चीज़ें बताई, मोटिवेशनल स्पीकर आप हैं जी, जब आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स लेते हैं, लोगों को वहाँ पर दृष्टिकोण बदलने काम करते हैं, आध्यात्म की क्या भूमिका है? क्योंकि उस समय तो आपने बताया कि आपका पहनावा आ जाए, उस समय आध्यात्म की भूमिका कैसे मानते हैं, कितनी भूमिका होती है आध्यात्म की लोगों को ऊर्जावान करने में, उनके दृष्टिकोण बदलने में? 100 से ज़्यादा तो सुसाइड केसेस गौरव साहब मैंने इसी टेबल पे हैंडल किए, ऑल इंडिया रेडियो पे एज ए मनोरोग विशेषज्ञ, मनोरोग विश्लेषक कह के बुलाया जाता है, लाखों लोगों को हमने ट्रेन किया। मोटिवेशन तो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो अध्यात्म से ही, अगर दुनिया का सारा मोटिवेशन अध्यात्म से है, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन है ही नहीं। प्रभु श्री राम जी राजा बनने जा रहे हैं और सुबह मॉर्निंग में पता चल रहा है कि नहीं 14 साल का वनवास है, तो कभी ये नहीं कहते क्यों, परिस्थिति जिस भी परिस्थिति काल परिस्थिति जो भी चीज़ आती है वहाँ पे एक आदर्श रूप अगर देखा जाए तो हमारे सनातन में है, तो अध्यात्म तो वहाँ पे है। मैं अगर हनुमान जी से बात करूँ, अपनी सफलता के लिए प्रभु श्री राम जी ने कहा कि जो भी काम करना है ज़रूरत पड़े तो आप बिल्कुल इतने सूक्ष्म बन जाओ कि मुँह से घुसो और नाक से कान से निकल आओ, और विकराल बनना पड़े तो आप सूर्य को भी निकल जाओ। तो जो भी मोटिवेशन का जहाँ भी जिस भी लेवल की अगर बात करें तो अध्यात्म से कोई ना कोई चीज़ आप निकाल के वहाँ पे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। और हज़ारों किताबें मैंने पढ़ी हैं लेकिन सबका सार वहीं पे है। आजकल आपने देखा ट्रेंडिंग चल रहा है, तमाम बाबा हैं जो कि सत्संग के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको शांति दे रहे हैं। अमूनन इंसान केवल शांति के लिए, अपने आप को शांत रखने के लिए, अपने आप को उत्साहित करने के लिए लोगों के पास जाते हैं, कैसे देखते हैं व्यवस्थाओं को? क्योंकि आप यहाँ पर नई व्यवस्था के माध्यम से, एक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नए दृष्टिकोण के माध्यम से लोगों के नज़रिए को बदलना है। आपने बताया कि आप 100 से ज़्यादा सुसाइड केस को आपने हल किया है जो कि हार चुके ज़िंदगी को, कैसे देखते हैं? देखिए बाबा जी जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, बुद्ध जी आए अपने तरीके से काम, महावीर जी आए अपने तरीके से काम किए, ओशो जी आए अपने तरीके से काम किए, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम करता है। मैं अपने तरीके से काम करता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखिए मैंने ये पहना हुआ है, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इन मोतियों को पहन के मैंने सिर्फ एक चीज़ रखी, जब हनुमान जी को उनकी सभा में, रावण की सभा में मोती वो तोड़ रहे थे, अपने दांत से तोड़ तोड़ के फेंक रहे, तो उनसे पूछा गया ऐसा क्यों कर रहे हो, बोला यहाँ पे मेरे प्रभु श्री राम की कोई इसमें मूर्ति, मेरे लिए बेकार है ये। तो उन्होंने कहा कहाँ है श्री राम, बोले मेरे दिल में है, मेरे हृदय में, उन्होंने चीड़ के फाड़ के दिखा दिया। देखिए जीवन कहीं भी बाबा ढूंढने से नहीं है, किसी बाबा के पास जाने से आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। आप बहुत सारे तीर्थ मत घूमिए, अपने हृदय को पवित्र करिए, आपका हृदय तीर्थ हो जाएगा तो फिर आपका मोटिवेशन यहीं पे है। और रही बात जीवन को समझने की,
वहाँ पे आपको मकसद मिल सकता है। आप किसी बाबा जी के पास जाके ना, कहते हैं कि एक माहौल मिल सकता है, ज़्यादा देर तक आप वहाँ तक सोच सकते हैं। मंदिर में जाने से, मंदिर में भगवान नहीं है, लेकिन मंदिर में जाने के माहौल मिलता कि आप भगवान के बारे में थोड़ा ज़्यादा देर तक सोच पाते हैं। मैं यहाँ पे बैठ के बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर भगवान हर जगह हैं और आपके अंदर भी हैं, हीरे को टुकड़े का अगर हीरा कहते हैं, सोने के टुकड़े का अगर सोना कहते हैं, लोहे के टुकड़े का अगर लोहा कहते हैं, अगर जरा सा अंश मात्र अपने आप के अंदर है भगवान का, तो अपने आप को भगवान क्यों नहीं कहते हैं? नर से नारायण होने की यात्रा बस एक ही स्टेप बाकी है। मैं लोगों को यही सिखाता हूँ, आप मेरी वीडियोज आके देखिएगा, मैंने वहाँ पर सिखाया था कि मैं आपको भगवान के बारे में नहीं बताने आ रहा हूँ, मैं आपको भगवान बनाने के बारे में आ रहा हूँ। क्यों? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, जो ज़्यादा काम आ जाए उसे भगवान कहते हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गोविंद, आज हम सब इनको अपनी भाषा में क्या क्या कहते हैं, ये सब भगवान बन गए। क्यों? क्योंकि ये समाज के ज़्यादा काम आए। तो आप भगवान को ढूंढिए मत, भगवान बन जाइए, अपने कर्मों से किसी के पास ज़्यादा काम आ जाइए। अगर एक भी लोगों की निगाह में आप भगवान बनेंगे, मैं कहूँगा किसी भी तीर्थ यात्रा से ज़्यादा आसान काम आप कर रहे हैं। हर इंसान का एक सपना होता है जी, एक सोच होती है जी। नजरिए पुरुष का सपना क्या है? भारत को विश्वगुरु बनाना, सोने का शेर बनाना, सोने की चिड़िया इसलिए नहीं। अच्छा, हाँ, चिड़िया नहीं, अच्छा, सोने का शेर। वो इसलिए क्योंकि भारत पे हजारों सालों से लोग आए, युद्ध किए, आक्रमण किए, हमें गुलाम बना के चले गए। हम भारत को विश्वगुरु बनाए, यानी हम तिजोरी उसकी भरती जाए और फिर उस पर ताला ना मारे, फिर 250 किलो सोना चोरी हो जाए। तो हम भारत को विश्वगुरु बनाए, फिर सोने का चिड़िया अगर रहने देंगे, फिर से लोगों की निगाह पड़ेगी, फिर से लोग आक्रमण करेंगे, फिर क्या फायदा है अमीर बनने का? फिर क्या फायदा है भारत को उस लेवल पे लेके जाने का? तो मेरी सोच है, नजरिया पुरुष की सोच है कि भारत को हम सोने का शेर बनाएंगे। अब भारत के ऊपर कोई निगाह उठा के नहीं देखेगा। क्या बात, आप देशभक्ति की बात भी करते हैं, आप देश को बदलना भी चाहते हैं जी, क्या लगता है यहाँ पर आपकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है? मैं तो बस यहाँ पे एक चीज लिखा हूँ ना कि सब मेरे प्रभु श्री राम जी कर करा रहे हैं, मैं मूर्ख अज्ञानी पागल हूँ, मैं बस हृदय अंतरात्मा की सुन रहा हूँ, मैं निमित्त मात्र कृपा पात्र हूँ। अगर रामायण में गिलहरी जो छोटा सा योगदान दे रही थी ना पुल निर्माण में, अगर उसका वर्णन इंगित हो सकता है, तो मुझे लगता है कि मैं कितना करूँगा ये तो मेरे प्रभु जाने, वो क्या कराना चाहते हैं, भविष्य तो किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन मैं आज करके खुश हूँ, मैं अपने देश के काम आ रहा हूँ, मैं खुश हूँ। और मेरा जो सपना है भारत को विश्वगुरु बनाना, सोने का शेर बनाना, फिर से राम राज लाना। राम राज लाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको राम जैसा जीवन जीना चाहिए। अगर आप माता हैं तो कौशल्या जैसा जीवन जिए, अगर आप पिता हैं तो दशरथ जैसा जीवन जिए, अगर आप भ्राता हैं तो आप लक्ष्मण जैसा, शत्रुघ्न भरत जैसा जीवन जिए, अगर आप पत्नी हैं तो आप सीता जैसा जीवन जिए। जीवन आपको ना उन कैरेक्टर को जीना है तो राम राज आएगा, बाकी तो राम मंदिर बनने से सिर्फ राजनीति फैलाएंगे आप। दो आखिरी सवाल मेरे रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मोटिवेशन को अगर एक शब्दों में हम व्याख्यित करें तो नजरिया पुरुष कैसे करेंगे? मोटिवेशन का मतलब सिर्फ है एक लक्ष्य, ढाई आकर प्रेम के पढ़े से पंडित हो में, ढाई अक्षर अगर जीवन का सबसे बड़ा चीज है प्रेम, तो जीवन का एक सबसे बड़ा प्यारा शब्द है लक्ष्य। अगर जिसके पास लक्ष्य है वो आजीवन मोटिवेट हो सकता है, और जिसके पास लक्ष्य नहीं है उसकी दुनिया की कोई ताकत मोटिवेट नहीं कर सकती। लक्ष्य के बिना मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। तमाम अच्छी बातें आपने बताई यहाँ पर। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, हर इंसान का कुछ ना कुछ पंच लाइन होती हैं, कुछ पंच ऐसे शब्द होते हैं जिसके माध्यम से अमूनन वो सोचता है कि हमको इन शब्दों को ऊपर चलना है। आपकी ज़िंदगी के पांच महत्वपूर्ण शब्द कौन से हैं जिसको लेकर आप अपनी व्यवस्था को बना चुके हैं, उन्हीं शब्दों पर चलकर आपने अभी तक का इतना बड़ा सफ़र तय किया? अगर आप पांच शब्दों की बात करेंगे तो मेरे जीवन के जो पांच शब्द हैं वो हैं मेरे भगवान परम पूज्य पिताश्री। गणेश जी की पूजा सनातन धर्म में सबसे पहले इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने माता पिता के चक्कर लगाए। पिता का आशीर्वाद के सामने ईश्वर भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं, पिता के आशीष से कोई ईश्वर भी काट नहीं पाते हैं। मेरे पिताजी श्री जी 52 साल से मंगलवार व्रत हैं और मैं 9 महीने का था तो मेरी माता जी की डेथ हुई, पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की, तो उनके आशीर्वाद से ये सारा काम हो रहा है। मेरे मोटिवेशन वही हैं, मेरे आराध्य वही हैं। और मैं कहता हूँ दो तरीके के ईश्वर होते हैं, एक वो ईश्वर जो आपको दिखाई नहीं देते हैं जिनको आप ईश्वर कहते हैं, पिता वो ईश्वर होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं। तो बस पिताजी के आशीषों की वजह से मैं काम कर पा रहा हूँ और बस वो जो उन्हीं से कुछ कहना हो तो मैं कह लेता हूँ। तो ये थे हमारे साथ सत्य प्रकाश गुप्ता आज़ाद यानी नजरिया पुरुष। इन्होंने अपने बारे में बताया और लोगों ने जाना कि आखिर ये हैं कौन, इनका नज़रिया क्या है,
इनकी जो वेशभूषा है वो क्या है, नीला लाल चश्मा लगाते हैं, उसका यहाँ पर अर्थ क्या है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लोगों को मोटिवेट करते हैं, और जबकि इनकी मोटिवेटर गुरु हनुमान जी हैं, हनुमान जी को अपना गुरु बनाए हुए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने अंत में बताई है कि इनके माँ बाप इनके पिता ही इनके आराध्य हैं, उन्हीं के दिशा निर्देशों पर उन्हीं के प्रतिनिधों पर चलते नजर आ रहे हैं। भारत को सोने का सिर बनाने का संकल्प और सपना लेने वाले नजरे पुरुष आने वाले समय में क्या कुछ अलग करते हैं वो समय बताएगा, पर एक बात स्पष्ट है कि जब नीति होती है और नियत होती है तो परिणाम हमेशा सार्थक आते हैं। क्या प्रश्न दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सीनियर भारत, लखनऊ। फिलहाल इस रिपोर्ट में ना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।